जान के बहुत खुशी हुई कि आप इस चुनाव में खड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि सोशलिस्ट पार्टी का होना चाहिए प्रतिनिधि, क्योंकि हम लोग के जो विचार हैं ये अभी तक जमीनी स्तर पे गए नहीं हैं, लेकिन हम इन विचारों में बहुत विश्वास रखते हैं। और हमारी सोशलिस्ट पार्टी के अलावा हमें ये भी लगता है कि औरतें जब आती हैं चुनाव में और जीतती हैं तो एक वाकई बदलाव आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर बहुत तैयारी करनी है। मुझे मालूम है कि आप लगातार जमीन पर काम करती रही हैं और आपको उसकी वहाँ पता है, वहाँ के हालात। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने दिन जब आप वहाँ पे काम कर रही हैं तो आपको क्या नजर आया और आपको क्यों लगा कि आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए? ये जो इश्यूज पे हम लगातार जो काम कर रहे थे उनमें से, मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में? हाँ, मेरे ख्याल से हिंदी में बोले, हिंदी में ज्यादा लोग समझते ओके, हैं। ठीक है। लेकिन सुचिता जी, ये इंटरव्यू चूंकि हैदराबाद तेलंगाना में भी देखा जाएगा, जहां शायद कुछ लोग हिंदी उर्दू नहीं समझ पाएंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा हिंदी, थोड़ा उर्दू और थोड़ा अंग्रेजी मिला के बोले, ओके, है ना? जी। सो आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस डिस्कशन एंड आई कॉम्प्लीमेंट लुबना जी फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। इट इज माई व्यू दैट सोशलिस्ट पार्टी द आइडियाज शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अ लेडी हैज डिसाइडेड टू कंटेस्ट। लुबना जी हैज बीन वर्किंग ऑन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज अवेयर ऑफ the conditions on the ground and the changes that need to be. I would invite her to discuss the issues on the ground and the reason she has taken this initiative. Lovna ji. हाँ, तो यहाँ पर खास करके हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो है, ये मैं जो कंटेस्ट कर रही हूँ अभी, जो वार्ड नंबर 72, वार्ड नंबर आसिफ नगर है। इट इज नॉट एग्जैक्टली ओल्ड सिटी, बट इट इज समय दरमियान बोल सकते हैं। बट द पॉइंट हियर इज दैट दिस पार्ट ऑफ द सिटी, यू नो, इट देर आर समथिंग्स वेरी रैम्पेंट इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी। Like you have everything that should not be there, you know. You have these drugs, you have the liquor, you have the prostitution, you have the early marriages, you have the woman beating and a marital abuse, and so much of illiteracy is there here. All these information, how we come to know about this, and the housing is very, very poor in this. In fact, in this Asif Nagar, you know, we see the highest class, and you also see the lowest class here. So abhi aane se pehle bhi I was just going through some ward maps, and in that Hyderabad Urban Labs ke kuch ward maps bhi dekh rahi thi. Wahan pe bhi through those maps I was trying to study, because from my campaign has to start immediately. So all these, you know, there are so many notified slums also in Asif Nagar ward particularly. So you know, यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे वो निकाल दिए गए थे। सो यू नो व्हाट, ग्रास रूट्स में खास करके जब हम लिटरेसी ड्राइव्स कर रहे थे, सी एक छोटा फाउंडेशन है, शोसा फाउंडेशन है, जिसकी मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। सो दास फाउंडेशन वॉज फॉर्म, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि हम 100% लिटरेसी अचीव करना चाहिए। उसके लिए मैं पुलिस से भी बात कर रही थी, एजुकेशन ऑफिसर से भी बात कर रही थी। एंड एनी टाइम एनी बडी कैन नॉक अस एंड टेल दैट वी वॉन्ट टू बी एजुकेटेड। हम ड्राइव्स भी वैसे ही चलाते हैं और लोग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ हमको अप्रोच करते गए थे। तो वॉट हैपन्स इज, वेन आई यूज टू टेक होल्ड ऑफ वन स्टूडेंट हु इज एक्चुअली कुड बी अ ड्रॉप आउट, कुड बी अ वुमन, कुड बी अ बॉय, कुड बी अ चाइल्ड लेबर, ये जो भी होता ना, तब उसकी जब हम उसको लेते हैं तो हमारा एक सर्वे फॉर्मेट है जिसमें उनकी घर की पूरी कुंडली निकल जाती, यानी व्हाट टाइप ऑफ हाउस आर दे स्टेइंग। क्योंकि मेरे पास जो स्लम्स है ना, जहाँ से मैं बच्चों को हम पिकअप करके मेन स्ट्रीम करते हैं उनकी एजुकेशन को, यू नो दे व्हाट, टू थ्री हाउसेस को एक बाथरूम रहता है। सो यू नो व्हाट, हमारे घरों में एक एक घर में दो तीन बाथरूम्स रहते हैं, वहाँ पर दो तीन घरों को एक बाथरूम रहता है। सो दिस टाइप ऑफ कंट्रास्ट, यू नो, समवेयर देयर हैज टू बी अ ब्रेक, देयर हैज टू बी सम इक्विटेबिलिटी अकॉर्डिंग मीन एड्रेसिंग द बेसिक नेसेसिटीज। और ये जो यहाँ के जो स्कीम्स भी आए हैं ना तेलंगाना गवर्नमेंट के, कि शादी मुबारक जैसी स्कीम्स, दिस स्कीम इज सो, इट्स नॉट एट ऑल प्रो वुमन, आई टेल यू, इट्स
not all pro-woman, but it is shown as if it is pro-woman. क्योंकि वो कहते हैं कि आप 18 साल की हो जाओ तो ये लीजिए आप 1,00,000 है आपकी शादी मुबारक. भाई ये आप डौरी दे रहे हैं क्या, बच्ची को देव बोल के डौरी दे रहे हैं क्या, या फिर बोल रहे कि 18 साल हो गए कि बस आप शादी कर लो. उनकी ना एडुकेशन पूछी जा रही है, उनकी ना मेंटल मैच्योरिटी पूछी जा रही है, ना उनकी हेल्थ बॉडीली मैच्योरिटी पूछी जा रही है. यू नो देयर इज नथिंग, देयर इज नो कंसर्न, यू नो इट इज जस्ट अबाउट बीइंग पॉपुलिस्ट. सो ये सब देखते हुए आई मीन नो वेयर इट इज अबाउट एम्पावरिंग द सिटीजन, नो वेयर इट इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग द सिटीजन. यू नो सिटीजन का गवर्नमेंट जो संविधान से जो हमको ये मिला है, दस्तूरहीन से जो हमको मिला है, ये वार्ड का जो 74-75 अमेंडमेंट में कि अर्बन लोकल बॉडीज होना चाहिए, वो इसलिए किया गया था कि ताकि गवर्नेंस और सिटीजन के बीच की जो दरमियान जो फासला है वो नज़दीक हो. और आप आश्चर्य होंगे कि पिछले 5 years में यहाँ पर जो GHMC के वार्ड इलेक्शंस हुए थे 2016 में, तो 2016 से आज तक एक वार्ड कमिटी की मीटिंग नहीं हुई है. एंड वार्ड कमिटी मीटिंग इज द क्रक्स ऑफ हैविंग द वार्ड इलेक्शंस. सो नो वेयर वो वार्ड कमिटी मीटिंग वाज हेल्ड अक्रॉस द GHMC, नो एरिया सभा मीटिंग. बट दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ब्रॉट डाउन द ग्रास रूट डिसेंट्रलाइजेशन. क्यों किया? क्योंकि एंड लुक एट द फन, यू नो हमारे घरों के सामने कुछ जैसी भी चल जाता है, कुछ पाइपें डल जाती हैं, कुछ रोड़े डल जाती है, सब कुछ होते रहता है गवर्नमेंट की तरफ से. बट दी ड्वेलर्स, वो स्ट्रीट में जो लोग रहते हैं जिनके घरों के सामने काम होता है ना, उनको किसी को पता नहीं रहता कि वो क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है, कौन करा रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, क्या बजट है, नथिंग, यू नो. सो व्हाट हैपेंस इज संविधान जो बोल रहा है कि ग्रास रूट्स टू अपवर्ड्स जो गवर्नेंस बताया है, यहाँ वैसे नहीं है, इट्स जस्ट हैंडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप डाउन, यू नो, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. आई मीन दे डिसाइड दैट व्हाट शुड हैपन इन माय स्ट्रीट इन माय वार्ड, इट्स नॉट मी हु आर गोइंग टू डिसाइड. और म्युनिसिपल में भी, कॉर्पोरेशन में जो बजट डिसाइड होती है, इट्स नॉट दैट इंडिविजुअल वार्ड्स, 150 वार्ड्स है हमारे GHMC में, तो इट्स नॉट की 150 वार्ड्स बैठ के वहां से बजट निकली है उनकी जरूरतों के हिसाब से, और वहां जब वो बजट क्लब होके जब पेश किया जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट. It's just about a few contracts here, there, you know, it's just a populist type of budget, which doesn't have, it's a total disconnect with the grassroots, you know. So, unki zaruraton ke mutabik wahan kuch nahi rehta hai. Unko jab aap bulayenge meeting mein, to wo zarur batayenge na, ki humko hamare yahan schools barabar nahi hai, humko ye road barabar nahi hai, humko paani time pe nahi aa raha hai, paani aa raha hai to puri waste ja rahi hai, aur humko yahan sewage bar bar clog ho raha hai. So, all these type of things, you know. या आउट ऑफ द बॉक्स छोड़ के कुछ सॉल्यूशंस निकालने की बात दूर, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सहूलियत देना चाहिए बेसिक डिग्निटी के लिए, बेसिक चीज है, उसकी भी कमी है. और उसके ऊपर से यू हैव अ हेल ए लॉट ऑफ करप्शन, हेल ए लॉट ऑफ करप्शन, सो मच सो दैट अभी जो फ्लड्स आए हैं हैदराबाद में, उसके लिए 10,000 कैश की गवर्नमेंट में नी जर्क रिएक्शन, दे जस्ट वांटेड टू गो पब्लिक, दे वर सो स्केर्ड कि द इलेक्शंस आर कमिंग एंड वी डोंट वांट टू हैव अ बैड नेम, तो 10,000 कैश सबको दे देंगे. तो व्हाट हैपेंड वाज इन अ ड्राई एरिया लाइक अवर्स, जो कि हमारी आसिफ नगर वार्ड है और मेरे पीछे की जो वार्ड है, हमारे यहाँ वो लोग ड्राई एरियाज में MIM पार्टी वाले, TRS पार्टी वाले, GHMC ऑफिशियल सब आके सबको यू ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. एंड वहां पर डबल धोखा, एक तो आप फ्लडेड एरिया में नहीं गए, आप सूखे एरिया में दिए, और दूसरी डबल धोखा क्या हुआ कि गरीब को बोले गए, 4-5 गरीबों को खड़ा कर दिए, आधार नंबर ले लिए, उनकी फोटो ले लिए, और उनको बोल दी, उनकी रिकॉर्ड में ऐसा हुआ कि 10,000 सबको मिला, जबकि वो लोग सब बोल रहे थे कि हमको 2,000 मिला, 1,000 मिला. आई मीन ये तो डबल धोखा है ये. सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो, मेरा दर्द यही है मालूम हमेशा कि दिस सिटीजन, उसकी गरीबी अमीरी का हमको कोई नहीं है, बट सिटीजन को अच्छा इंफॉर्मेशन ज्यादा रहना चाहिए. सिटीजन को इंफॉर्मेशन की से कनेक्टेड क्या चीज है, एजुकेशन है. तो हम जो लिटरेसी ड्राइव करते हैं वो यही है कि हम जब एक स्टूडेंट आ जाता है तो हम पूरे घर को होलिस्टिक देखते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी रेंटल हाउस, उनकी इनकम, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उसको होलिस्टिकली उसको देख के जब मालूम होता है कि घर में और कितने सिबलिंग्स हैं, उनकी क्या कंडीशन है, कौन चाइल्ड लेबर में है, कौन सिर्फ 10-12 साल की उम्र से करते हुए आज 24 साल हो गया है, और वो आज बोल रहा है कि हर हम भी पढ़ना चाह रहे हैं तो हम क्या करना. सो यू नो दिस टाइप एंड यू थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पहुंचता है कि पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू बी एम्पावर्ड, दे वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन. उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ देते हुए उनको जो एम्पावर करना चाहिए, उस चीज से अगर लीडर, MP, MLA, मिनिस्टर्स डर जाए तो व्हाट सेंस डज इट मेक.
उसमें क्या सेंस है भाई? अगर आप डर रहे हैं तो आपके सिटीजन को आप पूछिए, पूछने दें उनको, उनको इंफॉर्मेशन दे, ट्रांसपेरेंसी रखे, बताए कि हम ये कर रहे हैं, ये पैसा यहाँ से मिला वहां से मिला, और आप बोलिए, आप बोलिए हमारे खामियां क्या है, क्या क्या सुधारना चाहिए। दिस इज द वे द गवर्नेंस हैज टू बी। और उस डिसेंट्रलाइजेशन वार्ड जो कमिटी बनाए हैं, वार्ड बनाया गया है, वार्ड इलेक्शंस, इसी के वजह से ताकि द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट पर्सन शुड बी एम्पावर्ड, शुड बी इन्फॉर्म्ड, एंड ही शुड हैव अ से इन द गवर्नेंस, से इन हिज ओन इम्प्रूवमेंट, से इन हिज ओन एम्पावरमेंट। उसकी बोली बोली की अहमियत होनी चाहिए, इसीलिए तो वार्ड लाए थे संविधान ने। लेकिन वो उसकी तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर पूरा, एवरीथिंग इज सो यू नो इट्स टॉपसी टर्वी, यू नो वो टॉप डाउन चलता है यहाँ पर। ए दिस इज नॉट अ किंगडम, यू नो वी आर ऑल वी द पीपल है ये, बट दैट इज नॉट द केस। और उसकी सबसे बुनियादी क्या है कि द मिनिस्टर्स और द एमपीज और द एमएलएज वर इन चार्ज ऑफ देयर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, द वार्ड, दे आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि मेरे सिटीजन, मेरी सिटीजन्स, मेरे वार्ड के पूरे जो इलाका में जितने लोग हैं उनको। एक बार हम जब कमिटी में कॉर्पोरेटर बन जाते हैं या एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो पूरी संविधान, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम माय बाप बन जाते हैं। नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, इट्स नाउ नॉट अबाउट विच पार्टी, हु हैज वोटेड, नो नथिंग, यू बिकम द पेरेंट फॉर एवरीबडी। Everybody should, you should be approachable to everybody, and everybody should be able to, I mean, approach you and tell ki bhai ye kaam hai hamare yahan mein. Uske liye aur decentralization to ward committee tha, lekin ward committee hui nahi to kahi kahan se poonjega ye pura. So these are the things that really trouble me, and I felt that ye jo cheeze jitne bhi hum grassroots se jo education, health, ye corruption, ye honest governance, ward committees nahi hai, is sab cheezon ko address karne ke liye, I thought that maybe this is a chance for me at least to go and tell people, and let me tell you one thing, कि ये लोग जब गरीब लोगों को 1-2 हज़ार दिया जा रहा था 10 हज़ार देने के बदले में सूखे जगहों में, उन सभी जो जो मुझे बता रहे थे सबको मैं फोन करके बोली कि भाई आप 2000 से आप कोई बंगला नहीं बनने वाला है, आपकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली है, वो 2000 आप हकदार नहीं है, आप लिहाजा मत लो और लौटा दो उसको। Even to this extent, I went and told all those people who were given, I mean, 2,000, 1,000. It is that bad. And your ethics ki jo baat hai na, I bring this in every platform. Because ethics is not class-based, you know. Ethics is not even gender-based. Jaise ki aap bol rahe the ki mahila aana chahiye to badlav aayega. Main IIMB mein bhi jab main course kari, wahan bhi maine argue kiye ki the ethics is not based upon the gender. हम ये नहीं कह सकते कि वुमन आ जाए तो सब ठीक है। हम देखें पूरे इंडिया की जो टॉप वुमन लीडर्स है, पूरी जगह हम देख रहे कि हर औरत जहां टॉप लीडर्स थी, राइट, आई डोंट माइंड टेकिंग द नेम्स बिकॉज इट इज नोन, इवन द कोर्ट्स हैव टोल्ड दैट, राइट फ्रॉम मायावती जी टू जयललिता जी, यू नो वी हैव सो मेनी वुमन एक्चुअली हु हैव, नाम लेते ही यू टेक करप्ट। ऑफ कोर्स ममता बनर्जी का नाम तो बहुत क्लीन है, वी हैव एवरीवेयर। सो व्हाट आई मीन टू टेल इज एथिक्स इज नॉट बेस्ड अपॉन ए जेंडर, ये मैं, लेकिन ये जरूरी है कि इंसानियत 50-50 दो जेंडर में होने की वजह से बराबर 50% राइट फ्रॉम लोकसभा टू असेंबली टू व्हाट, हर जगह वी हैव टू इंश्योर दैट दे आर 50-50, वो इंश्योर करना जरूरी है। नॉट बिकॉज इन द ओपिनियन दैट कि वुमन आते ही सब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गोल्डन, नॉट लाइक दैट, बट बिकॉज इट इज जस्ट दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी देयर फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज, फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, एंड फ्रॉम वेरियस, एंड आई से इन द सिमिलर मैनर फ्रॉम बोथ द जेंडर्स। So, इस वजह से आई फील दैट वुमन हैव टू बी देयर, एंड अवर सोशलिस्ट पार्टी ऑल्सो सपोर्ट्स 50% रिजर्वेशन राइट फ्रॉम लोकसभा टू लेजिस्लेटिव टू एवरीवेयर। बट कमिंग डाउन नाउ बैक टू द ग्राउंड इश्यूज, इज दीज आर द इश्यूज दैट नीड टू बी हैंडल्ड इन अ ब्रीफ सकिंटली व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड। तो इन इश्यूज को हम इंसानियत, इंसान की, वोटर की और वोटर की फैमिली की जिंदगी को हम एक डिग्निटी देना में देखना चाह रहे हैं, और उनको इंफॉर्मेशन की और exercising their rights, right to say, वो बोलने की उनकी जो हक उनको संविधान से मिला है वो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आपके पास इतने हक है और आपके हक का आप एक्सरसाइज बराबर करिए। तो दिस इज वॉट ट्रबल्स मी कि उनको धोखा दिया जा रहा है, उनको दबाया जाता है इंफॉर्मेशन दिए बगैर, उनको दबाया दिया जाता है एजुकेशन की बराबर नहीं रखे बगैर। सो दीज आर द थिंग्स दैट ट्रबल मी अलॉट। That's how I thought, okay, चलो कुछ कर सकते। तो हेलो लुबना मैम,
कांग्रेचुलेशंस. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ एज अ वोटर, मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये वादा करते हैं कि मैं बन जाऊँ तो ये करूँगी, लेडीज हो या जेंट्स कोई भी खड़ा हो, जैसे आपने कहा जेंडर मैटर नहीं करता, तो एज अ वोटर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप क्या ऐसा करना चाहती हैं जो मैं आपको वोट दूँ? या पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आपकी आपके लिए जो होना चाहिए वो है कि आप आपकी आवाज सुनाई देना चाहिए. हर कोई वही कंप्लेंट देता है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है. तो ये फर्स्ट तो उनको मैं यही बोलूंगी कि आप जब वार्ड आपकी बनेगी, अगर मैं कॉर्पोरेटर बन जाऊं तो पहले दिन मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पहले वहाँ की वार्ड कमेटी बनाना है, एरिया सभा बनाना है और लोगों को अपनी अपनी जगह जो उनके मुस्तहिक है उनको अपनी अपनी जगह में उनको बताना चाहिए. वार्ड कमेटी मेंबर्स, वार्ड कमेटी में तो 15-15 मेंबर्स बनते हैं, उसकी रोटेशन भी हो सकती है, एक इतनी अच्छी बात है वो तो. और मीटिंग्स रेगुलरली होती जाएंगे तो वहाँ उनकी आवाज आ जाएंगी, उनके तकालीफ सब कुछ वहां पर बोला जा सकता है एरिया सभा में और वार्ड कमिटीज में. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टेल देम, क्योंकि आप बोल सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं. और दूसरी बात मैं जरूर बताऊंगी मेरे मेरे वार्ड के जो सिटीजन, जिस जिसके पास मैं वोट मांगने जाऊंगी तो वहां पर मैं जरूर बोलूंगी कि आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बराबर बनाते जाना. यू हैव टू इंश्योर दैट माई प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाते जाना. यू मे सी माई प्रोग्रेस रिपोर्ट ईयर वाइज, आप लोग बनाइए मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट और बोलिए कि आपके ये खामियां हैं, आपके ये खूबियां हैं तो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. आई विल टेल देम, आई गिव देम अ फॉर्मेट और आई विल टेल देम यू हैव अ लिबर्टी टू मेक ए फॉर्मेट बट यू हैव टू जज मी, यू हैव टू टेल मी व्हाट माई शॉर्टकमिंग्स. और मैं ये भी बोलूंगी कि दो टू एंड हाफ ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर का टर्म रहता है तो 2.5 years के बाद यानी आधा टर्म के बाद अगर आप देखें कि मेरी कुछ भी मुझसे कुछ काम नहीं बन रहा है, आपके वार्ड कमिटीज एरिया सभा में मसाइल जो आ रहे हैं फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, ग्राउंड लेवल में कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है, तो आप बराबर बोलिए कि रिकॉल दिस कॉर्पोरेटर एंड आई विल एक्चुअली स्टेप डाउन. इफ द 2.5 years के बाद इतनी वार्ड कमिटीज एवरी 2 months को वार्ड कमिटी मीटिंग होते जाएंगी और पूरी जगह पे हम सब जगह प्रॉब्लम्स लेते जाएंगे और वहां पर अगर कुछ भी बदलाव नहीं दिखा, उनकी मैं अभी जो प्रॉब्लम सुनाई ना, जो हर वो जो प्रॉब्लम जो तकलीफ दर्द है हर औरत को, हर बच्चे को, हर इंसान को, हर मर्द को, हर फर्द को, जॉब्स के लिए, जो एजुकेशन के लिए और उनकी जो प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, इन सभी के लिए इनकी जिंदगी आसान और इज्जतदार, ये दो चीज हमको करना है. उनकी जिंदगी और रेशन शॉप्स में जो तकलीफ औरतें उठाती हैं, भाई इधर हॉस्पिटल के सामने क्यों करो या रेशन शॉप के सामने क्यों करो, या इतने में 10,000 देता है तो 10,000 के लिए क्यों करो, या भाई गवर्नमेंट क्या करती है मालूम, हमेशा राइट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट हमेशा आवाम को क्यू में खड़ा देती है. भाई दे लाइक टू सी द पीपल इन द क्यूज, यू नो आई विल सी दैट नन ऑफ द वार्ड सिटीज, नन ऑफ माय वार्ड पीपल हैव टू एवर स्टैंड इन एनी क्यू. और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि हर किसी का ना यहाँ पर ना इलेक्टोरल रोल ना सही नहीं है, सो मेनी पीपल ना उनका इलेक्टोरल रोल सही नहीं रहता, तो उन सबको मैं बताना चाह रही हूँ कि आप पहले आपका वोटर रोल वोटर आईडी जो है, किसी किसी के पास वोट रेडी रहता है वहां पर डिलीट हो चुका रहता है, सो वी हैव टू टेल एवरीबडी कि पहले चेक करिए कि आपको वोट रेडी है या नहीं. और मैं जब कॉर्पोरेटर बनूंगी तो मैं ये पक्का ये करूंगी कि पहले मेरी वार्ड की पूरी सिटीजंस की डी नोवो प्रोसेस यानी फ्रेश इलेक्टोरल रोल बराबर मैं इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाके पूरी इलेक्टोरल रोल्स को हम फ्रेश और करेक्ट हम बराबर बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि कभी किसी की डिलीशन नहीं होना चाहिए बगैर ड्यू प्रोसेस के, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिलीशन हो चुके थे विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस. मेरा खुद का 2018 में जब देखी तो मेरा डिलीट हो चुका था विदाउट ड्यू प्रोसेस. आई आस्क देम टू रेस्टोर, दे डिड नॉट रेस्टोर, वो लोग जबरदस्ती मेरे को नया वोट रेडी दे दिए. ओके, सो ये जो चीज है ना, व्हेन यू टेल द सिटीजन कि ये चीज को हम क्लीन कर रहे हैं, ये चीज में हम आपको आपकी निशानी वजूद है, आपकी वजूद ये फूड सिक्योरिटी कार्ड अगर है या फिर ये आपका वोटर आईडी कार्ड है, ये सब चीजों में ना उनको एक सपोज फूड सिक्योरिटी कार्ड है, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो 10 बार रेशन शॉप को जाके आना चाहिए कि उसकी चीजें आए या नहीं. और ये दशा भी नहीं होना चाहिए एकदम आ गए तो पूरे घर गृहस्थी सब छोड़ के सबको क्यू बनना चाहिए. It should not be like that. It has to be very इज्जतदार भाई. उनकी जो हकदार है उनको वो चीज मिल रही है. यहाँ कोई nobody of us is doing any favor. तो उनको जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है तो उसमें भी हमने इज्जत के साथ उनको देना चाहिए. ये बहुत important है.
और दूसरी बात ये है कि मैं ये जो कोरोना के टाइम पे भी मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पर तेलंगाना में हुई थी वहां भी बताई थी, और मेरी दिली ख्वाहिश है लॉकडाउन में हम ये भी करे थे कि उनको जो किट्स दिए थे हम लोग, तो किट्स में भी हम उनको ना 200 ग्राम्स के बादाम के पैकेट्स दे रहे थे सबको, बिकॉज यू नो एंड आई टोल्ड द गवर्नमेंट ऑल्सो कि यू स्टार्ट सप्लाइंग बादाम एंड मिल्क थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि मैं यहाँ पर देखी मैं मेरे जो लिटरेसी ड्राइव्स में चलते हैं तो बच्चों दूध नहीं पीते भाई, दे डोंट नो ड्रिंकिंग मिल्क, वेयरएज एट दिस एज इवन आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई मीन मुझे बहुत अंदर चोट पहुंचती है मुझे, मैं बादाम खाती हूँ लेकिन वो लोग बादाम नहीं खा रहे, मैं दूध पी रही हूँ तो वो लोग दूध नहीं पी रहे, सो दिस पॉइंट इज दैट आप ये पीडीएस दे रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं हो रही है, आई एम टेल यू इट इज नथिंग, पीडीएस ये जो यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तो जो डंडोरा बजाते रहते हैं ना, हम राइस दे रहे हैं राइस दे रहे हैं राइस दे रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग बाय गिविंग राइस, व्हाट इज द नंबर कैलोरीज कितनी होनी चाहिए पर किड को, पर औरत को, पर मर्द को जो इतनी हेवी हेवी वर्क करते हैं, ये गरीब लोगों का काम बहुत हेवी रहता है, तो इनको जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है वो क्या उनको मिल रहे हैं, आर दे टेकिंग ग्राउंडनट्स, आर दे टेकिंग द प्रॉपर दाल, एवरी डे की कैलोरी फूड उनको मिल रही नहीं मिल रही है, ये क्वेश्चन देखना चाहिए, यहाँ तो डंडोरा पीटा जा रहा है कि हम राइस दे रहे हैं फ्री राइस दे रहे हैं वो दे रहे हैं, पर व्हाट व्हाट्स हैपनिंग, आई आई टोटली अपोजिट, I feel that if you're giving something, you give them based upon the calories what is required. Or I am a very vocal on this on various platforms that PDS से खास करके हमने दूध देना शुरू करना चाहिए. और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये लोग जो मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं, भाई आई हैव सीन आई व्हेन आई वाज इन IIM बैंगलोर की जो वहां पर कोर्स करी थी मैं वुमेन इन लीडरशिप की, वहां पर पर्सनली वी वेंट एंड सुपरवाइज द एंटायर क्या बोलते हैं वो जो एक सब मूवमेंट है जो अक्षय पात्रा का पूरा किचन अंदर की उनकी कोल्ड स्टोरेज से लेके जाके पूरे देखे, बिकॉज वी हैड द प्रिविलेज वी वर द IIM बैंगलोर स्टूडेंट्स ओके, तो वहां से मैं जब देखी तो व्हेन दे वर सर्विंग अस द टिफिन आई आस्क्ड देम ओपनली यू शो मी द यू गिव मी द टिफिन व्हिच यू सेंड टू द चिल्ड्रन बिकॉज वी वर होस्टेड टू लंच ब्रेकफास्ट देयर, I said, what has gone to the children? Let me taste that. When I tasted that and when I saw, it is not fulfilling the calories, you know. The point is that what you give free nahi hai. Unko aap utni calories ki de rahe nahi de rahe. Because we want a healthy country. We want an educated country. We want an informed country. It is not just like that ki you just give them something, a dole out and then you keep on telling that you've given something. Same is the case when you're giving these Shadi Mubarak ji ki jo 1 lakh hai. Usme kitna ghutala ho raha hai. कि बच्ची को तो 1 लाख शादी के 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद मिलता है, और वहां पर भी अब बच्ची का हस्बैंड और बच्ची का बाप दोनों देखे थे बैठे हुए रहते हैं कि वो बीवी का 1 लाख कमा रहा, तो उसमें से बाप बैठा रहता है कि मैं आधा 50,000 ले लूं, और शौहर बोलता है कि मैं 50,000 ले लूंगा, अब वो 1 लाख आप बच्ची को क्या दे रहे भाई, हाउ हैव यू एम्पावर्ड द गर्ल विद योर 1 लाख ऑफ शादी मुबारक, इसमें क्वेश्चन टू द स्टेट गवर्नमेंट, I will fight for only one thing. मैं बार बार एज बोली प्लेटफॉर्म में, आप लड़की को ये बोलिए कि बच्ची आपने 10th कर दिए तो लीजिए आपको कुछ दिया जा रहा है, आपको इंटरमीडिएट पूरी टॉप फ्री एजुकेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट अगर आप क्योंगी ए लो बच्ची आपके लिए लैपटॉप हम पेश कर रहे हैं, तो दिस विल मेक हर इंकरेज टू स्टडी मोर, और आप जब डिग्री खत्म कर दी बच्ची तो ये लो बाप के नाम पे हम ये जगह तो दे रहे हैं या फिर ये 2 बेडरूम हाउस दे रहे हैं आपको, जहां पर आप जिंदगी भर कोई आपको आगे शौहर जब आपकी शादी हो जाए तो आपका शौहर कभी आपको नहीं बोल सकता कि तुम अब मायके चले जाओ, भाई ये मेरा घर है, मेरे को अब कोई नहीं बोल सकता कि आप मायके चले जाओ, दिस इज द वे यू एम्पावर एंड स्ट्रेंथन द वुमन हु इज द फ्यूचर मदर विथ हर एजुकेशन विथ द हाउस एंड एवरीथिंग, दिस इज द वे वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड गिव पावर टू पीपल, इट इज नॉट अबाउट व्हेन आई एम अ कॉर्पोरेटर आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी पावर, I will be getting a responsibility. मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ती है, मेरे पास कोई पावर नहीं आता है, पावर तो उन लोगों के पास है जिसने वोट डाल के मुझे कॉर्पोरेटर बनाया, अब उनकी इज्जत करना चाहिए, उनको मैं ना बोलना चाहिए जी हुजूर बोलिए आपने मुझे यहाँ भेजा है, मेरे ख्याल ये है, आपका ख्याल सुनाइए, आपके जरूरत सुनाइए, दिस विल बी द इक्वेशन एज मैंडेटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा दस्तूर हिंद संविधान भी यही बोलता है और मुझे भी इसी को फॉलो करना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी जो आई है मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी को मैंने ये राजधर्म जो है इसको मैं कितने हद दूर तक कितनी सच्चाई से कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कितनी खुले में ऑनेस्ट गवर्नेंस
कितना मैं डिलीवर कर रही हूँ, यही मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेंगी, यही मेरे मेरे सिटीजन्स जो वार्ड मेरी कॉर्पोरेट मेरी वार्ड में जो लोग मुझे कॉर्पोरेटर बनाएंगे तो उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो मुझे देखे कि मैं क्या कर रही हूँ, उनके हाथ में रिपोर्ट रहेगा, मेरे लिए वो रिपोर्ट उनको देना ही पड़ेगा, ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं होगा, उनकी जिम्मेदारी मुझे वोट डालने से खत्म नहीं होती, उनको ये देखना ही पड़ेगा कि मैं सही काम कर रही हूँ नहीं, देखना पड़ेगा उनको, मैं उनको बताते जाऊंगी। वार्ड कमिटीज इसीलिए तो हमको बैठा फौरन फर्स्ट वीक में बैठ जाएंगे हर जगह, मेरी आसिफ नगर वार्ड में वार्ड कमिटीज और एरिया सभा, वहां सबके पूरे नोट डाउन होंगे, कंप्यूटराइज होंगे उनकी पूरी प्रॉब्लम्स वगैरह, गली गली के प्रॉब्लम्स, और वहां पर उनको ये देखना पड़ेगा, रिपोर्ट वहां का वहां बनेगा कि ये कॉर्पोरेटर ने कितना वहां पर जिम्मेदारी निभाया। दिस इक्वेशन इज गोइंग टू टर्न टोटली द अदर वे कि वो लोग के पास पावर रहेगा, मेरे सिटीजन्स जिसने मुझे वोट डाले पूरे वार्ड के उन लोगों के पास पावर रहेगा, मेरे पास सिर्फ जिम्मेदारी रहेगी कि मैंने उनको उनकी जो उनकी सेवा में मैं खड़ी हूँ तो मैंने उनका जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, और उनके पास बहुत बड़ा हथियार मैं देने वाली हूँ कि 2.5 years के बाद वो लोग फौरन मुझे वापस बुला लेंगे कि डॉक्टर लुबना सरवत का रोड रेस रिपोर्ट बिल्कुल हमको पसंद नहीं आया है, जैसे ही वो रिपोर्ट आएगा तो मुझे उतरना ही पड़ेगा, मुझे कोई कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, मैं खुद वहां पर इस्तीफा दे दूंगी 2.5 years के बाद अगर मेरा रिपोर्ट बिल्कुल कुछ नहीं निकला और मैं जो बात कर रही हूँ और वहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो वोटर इज द मोस्ट सैटिस्फाइड। वेरी ग्रेट मैम, सो इट मींस आप पूरी तरह से पब्लिक और अपने बीच पूरी एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती हैं, राइट? प्लीज कम बैक। मतलब पब्लिक और अपने बीच एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि पूरा पारदर्शी चीजें पारदर्शी हो, पूरी चीजें बिल्कुल साफ हो, राइट? यस, टोटल ट्रांसपेरेंसी। और यहां तक कि मेरी सैलरी जो है, क्योंकि ना यहां पर जो सैलरीज मिलते हैं ना, हमारे चीफ मिनिस्टर को 3. कुछ लाख्स मिलते हैं, हमारे माय चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव चीफ मिनिस्टर इन द होल इंडिया। तो मेरे चीफ मिनिस्टर का सैलरी कहाँ जाता है कुछ ना, आई मीन वी डोंट नो, उनके सीएम रिलीफ फंड को कहाँ जाता है कुछ भी नहीं मालूम हम लोगों को। तो मेरे पास अगर मुझे जो सैलरी मिलेंगी तो एवरीबॉडी विल नो माय सैलरी व्हाट इट इज, इट विल बी डिस्प्लेड एंड इट विल बी नोन कि दिस इज द सैलरी आई एम रिसीविंग। तो लोगों के सामने रहना चाहिए कि भाई मैं इतना ले रही हूँ, मेरा सैलरी कहाँ से आ रहा है, पब्लिक का पैसा है वो कोई झाड़ से तोड़ा के मुझे नहीं दे रहा है मेरा चीफ मिनिस्टर, वो मेरी पब्लिक के पैसा है। तो उनको मालूम रहना चाहिए कि मैं कितना सैलरी ले रही हूँ, एंड डेफिनेटली आई विल बी नॉट टेकिंग एनी ऑफ दीज सो कॉल्ड फैसिलिटीज ऑफ एनी मीन दीज व्हीकल्स कॉर्पोरेटर व्हीकल्स एंड ऑल दैट, आई डू नॉट नीड एनी ऑफ दोज फैसिलिटीज टू एम्पावर माई सिटीजन्स। मेरे सिटीजन्स को एम्पावर करना, मेरे वार्ड लोगों को, और उनकी मैं तरक्की देखना, दिस इज माई ड्रीम, उनकी तरक्की मुझे दिखना चाहिए, उनको फील होना चाहिए कि भाई हम तो कुछ नहीं थे, आज हम बहुत कुछ हैं, ये उनके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई वी वर नथिंग एंड टुडे वी आर बीइंग आस्क्ड फॉर, हमारी ये तो नक्शा ही बदल गया, ये उनके पास आना चाहिए, इज्जत फील करना चाहिए उन लोगों ने कि भाई आज पूछिए आप किसी को भी, हर कोई क्या बोलता है भाई 5 साल को कोई आते भाई लेते फिर पटकते नहीं, हमको मालूम नहीं कौन है कब आए, नो भाई सॉरी, इफ यू हैव वोटेड यू हैव टू हैव योर से। वो मौका जो मैं कुछ कोई फेवर नहीं कर रही हूँ, जो दस्तूर हिंद संविधान से जो मिला है उसके ऊपर मैं और ऐड करते हुए मैं वो रास्ते से मैं जाऊंगी। आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम डूइंग एनी फेवर, बट यस डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हुए एक सोशलिस्ट जो अप्रोच है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो अप्रोच है, ऑनेस्ट गवर्नेंस, नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इन सभी चीजों को। और एक बात है, ये यंगस्टर्स के लिए तो मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स है, बिकॉज मेरी जो शौसा फाउंडेशन को भी आई गैदर ऑल दी स्टूडेंट्स हुम वी सपोर्ट एंड स्पॉन्सर एंड देन वी मेक देम स्पीक यू नो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी की व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो आप हैरान रहेंगे, 5th-4th class का बच्चा भी आराम से बोल रहा है, उनके डैडी तो वो एक रूम्ड घर में रहते हैं एंड उनके मदर तो कहीं एक हाउसमेट तो है या फिर एक हॉस्पिटल में झाड़ू का काम, और उनके फादर जो है ड्राइवर का, ऑन एंड ऑफ ड्राइवर का काम करते हैं। He said that he wants to be a pilot. Can you imagine one roomed house? And there are so many other girls who said no, who are inspired by their teachers. They want to become teachers. They want to become lecturers. So all these are things, you know, that they have to, you have to empower them. We have to make them fly like anything, you know.
सो ये जो एक्सपेशली स्टूडेंट्स की अलग कैटेगरी और यूथ की अलग कैटेगरी, आई विल मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ दिस वर्ड कि यह पर कितने स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, व्हाट आर देयर ड्रीम्स, उनको ड्रीम्स को अपने को साकार करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ फाउंडेशन में करती थी, वैसे तो अभी पूरा वार्ड का बनेगा डाटाबेस, और उसके बाद यूथ जो है क्या है, कौन सी स्टेजेस तक ये लोग पढ़ चुके हैं और इनके ड्रीम्स क्या है, कौन लॉयर बन रहा चाह रहे, कौन आईएएस बनना चाह रहे, कौन सी प्रोफेशन में जाना चाह रहे, या फिर कोई कारपेंटर भी है, जैसे अभी करती है मैं कारपेंटर भी है, तो एक बहुत बड़ी हलाल की कमाई, ऑनेस्ट इनकम है। तो आप लोग टेंथ पढ़िए, टेंथ पढ़ के आप कारपेंटरी में एक डिप्लोमा रखिए, आप सेल्फ एंटरप्राइज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी मेक देम, यू नो, मेक देम ड्रीम, एक्चुअली यू मेक देम ड्रीम एंड देन यू सी दैट दोस ड्रीम्स आर रियलाइज, यू गिव हैंड होल्ड देम, दे डोंट नीड मच सपोर्ट, बट आई एम रियली टेलिंग यू दे आर वेरी गुड, वेरी पावरफुल, वेरी क्लीन, बट ओनली थिंग यू नो दे डोंट सी द अपॉर्चुनिटीज। देखो आज मैं बोल रही हूँ, कल जो एक बच्ची को हम स्पॉन्सर कर रहे थे, वो बच्ची का क्या है मालूम, शी इज नॉट फ्रॉम दिस, आई मीन पीपल नीड नॉट बी फ्रॉम माय वार्ड और माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू नो वी हेल्प अक्रॉस द बॉर्डर्स, कि कहाँ पर कहीं भी किसी को जरूरत पड़ा तो वी आर देयर। तो वो बच्ची जो है शी इज मैरिड, शी इज 20 इयर्स, और वो इंटरमीडिएट ओपन से कर ली, ओपन टेंथ कर दी, ओपन इंटरमीडिएट कर ली, वेरी गुड। नाउ शी इज सो इंस्पायर्ड, शी वॉन्ट्स टू स्टडी समथिंग, शी इज ऑलरेडी प्रेगनेंट, तो उसको ना नाउ इंटरमीडिएट वो हेचईसी से करी, हिस्ट्री इकोनॉमिक सिविक से, एंड नाउ शी सो इंस्पायर्ड, शी वांट्स टू जॉइन डिग्री, एंड आई सेड यू हैव टू जॉइन द डिग्री। तो उन्हें यू नो व्हाट, अंबेडकर यूनिवर्सिटी आई वाज मेकिंग हर डू थिंग्स, अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जब उसको पूरा देख रही थी, उसमें वो क्या बोल रही है कि आई वॉन्ट टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन नाउ, शी डिड नॉट नो दैट शी कांट डू पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसने क्या चुना मालूम सब्जेक्ट ने, एमएससी एनवायरमेंट, शी इज इंग्लिश मीडियम, तो वो क्या बोल रही है, I want to do MSc environment. I said you can't do MSc environment with HEC background. You can't do that. Then she is disappointed like that. I said you see we have bachelor of social work because you have to do some degree, bachelor of social work. So bachelor of social work was not there in Ambedkar Open University. Then because also her health is also important, being the first pregnancy, कुछ dip certificate courses थे Ambedkar में. So I encouraged her to look into all those 6-month certificate courses. So she has now picked up, aaj uski admission bhi ho chuki hai, she picked up the certificate in child care and public health. So 6 months mein she will Sunday jaake contact classes mein wo certificate bhi hasil kar lengi, aur uski jo child, first child honga to thoda wo bhi uska health bhi samlenga. Next year I'll get her admitted in the degree. To kya ho raha, uski education maar nahi kha rahi hai. So this is how we are trying to empower and see. You know, aaj usko kya hua? She got exposed to so many courses. I gave her even the IGNOU link. Kyunki Indira Gandhi National University mein bahut variety of courses hai. So I gave her even that. So you know what? These are the things. Wo log andar se padhna kitna chah rahe, kuch hasil karna chah rahe, kahi unchi mein uncha chadhna chah rahe. To unko ye bhi nahi malum tha ki MSc nahi kar sakte. Okay? And you know what? Other thing, she's HEC. She wanted to do BSc Science. I said you can't even do BSc with intermediate HEC. She didn't even know that. So inko kitna handhold karna padta hai, just because we handhold her little, how she chose a course of child care and public health. So beautiful. Kitna apt tha uske liye wo. I was so happy. Bas unka ho gaya, aaj admission ho gaya, wo log mere ko bheje bhi. Wo jo ki aaj Ambedkar University mein open is me admission ho gaya. So ye dard hai bhai ki inko na information de na, so they will choose their way. लेकिन इंफॉर्मेशन ही उनके पास, ये जो फासला है ना इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड, सोशली मार्जिनलाइज्ड और इंफॉर्मेशन के बीच जो फासला है ना, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी ये सबसे बड़ा है, ये कुछ नजदीक नहीं हुआ है। सी द डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूज्ड मोर एंड मोर टू एम्पावर द सिटीजन, बट अफसोस की बात है कि डिजिटलाइजेशन हैज नॉट नियर्ड, इट्स नॉट गिवन इन मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, यू नो it is, I don't see any particular role of technology ki technology ki wajah se in log ko hua. Food security card dekhiye, oh digital ho gaya, pura online hai, bhai kitne log hai, mere ko abhi bhi mere paas list hai, unka kaam kar nahi pa rahi, main maafi mangi un logon se, unko ration card unka abhi bhi release nahi hua hai, they are purchasing from the market, they are not able to eat properly, aur ek ko jo aaya hai ration card jisko bhul ke aa gaya tha, unko dal nahi mil raha, sirf thoda rice mil raha hai, 4 kids she has, young kids. So who will resolve all this? So what corporator ka ye bahut badi zimmedari rehti hai ki they have to have their database, sit upon that all their citizens get every right and get more. Unki calories dekho, unki zarurat dekho, unko kitna khana milna chahiye. It is not about
Anganwadi giving some rice and all that. No, it is not rice, bhai. I know the quality. Nobody is happy with the quality of the rice that is being given. And let some nutrition labs of India, to hamare Hyderabad mein hai. Let the nutritional expert actually tell ki ye jo diya ja raha hai, to ye proper hai inke liye. This is giving the accurate calories and all that. Waisa kuch nahi hai yahan par. It is like as if you are doing a great job by telling you free rice, no, it is not. You have to empower them health-wise, information-wise, education-wise. Give them access, give them proximity. Nazdiki mein deo har cheez unko. Because public transport ki kitni badi problem hai. Incomes ki kitni badi problem hai. How many people have how much income? Where is the database? Income ki jo range hai, uski koi database, koi ward base, kisi ke paas nahi hai. All this has to be given. Who will bother about all this? Why am I elected as a corporator if I'm not going to do all this? And if ye maslo se kya hota, we will understand ki dusri kya policy mein kya change aana chahiye. It is from these problems that we come up with policy changes. Tabhi to main recommend kar sakti wahan par ki ministers ko, Telangana government ko ki bhai ye masail hai, inke ye policy changes hona padta hai. So I feel that's how these are my khayal hai mere ward ke liye. I'd like to compliment you for your wonderful ideas, and we're proud to have you with us. Another question which I wanted to ask was, do you have any idea about the economic empowerment? Okay. Well, when we talked about equality, both men and women, how can we increase their income so that they can have a better life? Do you have any ideas about these? Yes, yes. Jaise ki main batai aapko, यहाँ पर ना जो मैक्सिमम जो औरतें हैं उनका मैक्सिमम जो हाउस होल्ड है उनकी दो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है मैडम. वन इज हाउसिंग भाई. हाउसिंग आई टेल यू एज आई टोल्ड इन द फर्स्ट इटसेल्फ, हाउसिंग और उनकी जो इनकम है. उनकी जो इनकम में ना व्हेन हाउस होल्ड इज गेटिंग मे बी 15,000 और 10 to 15,000 अगर आ रहा है दोनों काम कर रहे तो, इन्हों घरों में काम कर रही है, उन्होंने बाहर कहीं काम कर रहा था. बिकॉज दीज इनकम्स आर नॉट salaried incomes, you know, they are not MNC incomes, multinational companies ki income aa rahi hai, ye government salaried incomes nahi hai, ye volatile incomes hai, seasonal incomes hai in logon ke. To ye incomes mein kya hota hai malum, inki income mein what portion of this is going into the house rent is the critical part of it. Sometimes it is more than 50%. Kyunki in ye ek room ke ghar mein rehte honge, lekin wo ek room ka kiraya 3,000 se kam nahi rehta hai. Jab dekhiye अगर वो घर सिर्फ 8,000 कमा रहा है वो घर में या सिर्फ 10,000 कमा रहा है तो रेंटल कितना जा रहा है. और व्हाट अबाउट द फीस? गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं पढ़ा रहे तो हर घर में काम करने वाली जो औरत है, हर जो कारपेंटर कर रहे, मेसन कर रहे, ड्राइवर कर रहे, ऑटो चला रहे, सब कोई चाह रहे कि भाई मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चे अच्छा इंग्लिश बात करे. वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो रहा भाई, प्राइवेट में डालो ना बाजी. शुरू हो गया पैसे कहाँ है प्राइवेट में डालने के लिए. तो पब्लिक जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ ऑफ, और एक बात है उनकी जो इनकम में है वो. और पीछे भी मैं ये भी देखी मालूम यहाँ पर लिटरेसी ड्राइव्स में, इनकी जो घरे बराबर सनलिट नहीं होने की वजह से और हाइजीन नहीं रहने की वजह से, यू नो वॉट, इट इज वेरी पैथेटिक, बट वी फाइंड दैट हर गली में ना या हर 5-10 घरों में ना कोई एक ना mentally challenged रहता है मालूम, टीबी रहता है मालूम. See what part of their income is now going for the health care? What will they eat? They have to eat to be more, क्या बोलते हैं उसको, immunity system boost करने के लिए. तभी तो मैं ये कोविड के टाइम पे शुरू करी मैं. भाई आप लोग बोल रहे हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, पानी कहाँ है? You think all these houses in the slums, they have adequate water? Where do they store their water? हम लोगों के घरों में सम्प रहता है, क्या है महीना भर चलने को उतना पानी रहता है, ऊपर टैंक रहता है, टैंक में से पानी आता है, तो हम जरूर खोलने के हुई हुए हाँ बहुत वॉश कर रहे. No, do you think every, you know, always they show as if water, running water में हाथ धोने का हर जगह पूरी इंडिया में बता रहे भाई. Tell me how many households have this running water to wash? कि घर जाए अंदर नल फिराए और यहाँ से धो ले. No, nobody has that facility. Majority don't have that facility. Water, where is water to hand wash? There is no water. Immunity boost karo. Bhai, aap bol rahe, doodh mein haldi dal ke piyo. Bhai, doodh kahan hai? Where is milk? Where is nuts? Where is the protein food of dal?
हम तो यहाँ तक की करें कि जब हम ईद के किस 30 फैमिलीज को दिए तो हम उनको प्रोटीन फूड कैंपेन चला के हम लोगों ने उनको एक एक किलो की चिकन दिए हम लोगों ने. वेयर इज द प्रोटीन फूड? जैसे उनको बादाम दिए वैसे उनको चिकन भी दिए. एक जितना आई मीन दिस इज वेरी लेस, वी कांट डू भाई, वी कांट डू. एक चिकन किलो चिकन में एक व्हाट हैपेंस? नथिंग हैपेंस. बट एटलीस्ट वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग कि दे मस्ट ऑल्सो नो कि दिस इज प्रोटीन फूड. उनकी ईटिंग हैबिट्स बदलाना चाह रहे हैं हम. बादाम देना दे रहे उनको, दूध दे रहे उनको, ईटिंग हैबिट्स बदलाना चाह रहे हैं. तो गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ दिस. व्हाट अबाउट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? तो ये मैं बताना चाह रही थी कि ये जो इनकी इनकम्स जरूरियात से पकड़ के जो हाउस रेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बेसिक जो इस पे जाता और देन द ईटिंग, ये चार में जब इनकम डिवाइड होता है तो ये फुलफिल करने के लिए इसमें से फ्री कितना रहा? हेल्थ केयर क्या सही जा रहा है? नो, हॉस्पिटल्स आर नॉट प्रॉपर. एजुकेशन क्या सब लोग गवर्नमेंट में जाना जा सक रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स बल सही नहीं चल रहे हैं. और नाउ व्हेन इफ वी फ्री दिस, अगर हम गवर्नमेंटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम ये तीन उनके खर्चों में से निकाल दिए और पब्लिक हाउसिंग में, सिंगापुर में को जाने का चांस मिला था आईआईएम बैंगलोर से, पब्लिक हाउसिंग इज सो वंडरफुल इन सिंगापुर. पूरी कम्युनिटीज को, अगर ये 100 हाउसेस है सो दे आर सीइंग दैट द हाउस इज अलॉटेड एज मल्टी लिंगुअली एंड मल्टी कम्युनिटीज. कितनी केयर ले रही है वहाँ की गवर्नमेंट कि अगर घर भी दिए वहाँ पर, पूरे पब्लिक हाउसिंग दे रहे हैं हम, तो वहां पर पूरे कम्युनिटीज रहना चाहिए. 20% अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उतने उतने लोगों को वो घर जाना चाहिए. दे टेकिंग दिस मच ऑफ केयर. लेकिन यहाँ पर क्या होता है हमारे इंडिया में और खास करके तेलंगाना में, ये JNNURM जवाहरलाल नेहरू होम्स अलग रहते, वो होम्स की कलर भी अलग रहती. वहां रहने वो होम देखती मालूम जाता कि भाई यहाँ पर लोअर क्लास, लोअर इकोनॉमिक क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हमको हाउसमेट्स मिल जाते हैं. सी दिस इज नॉट द वे हाउ वी शुड लिव. पब्लिक हाउसिंग यानी क्या है? उसमें पूरी क्लासेस रहेंगे. So what happens is when the income is not being supported with the proper public infrastructure of transport, of education, of health or of housing, जब ये free, ये इनको substantially एक standard नहीं मिल रहा, तो बात क्या हो रहा, उनकी income यहाँ खर्चा हो रहा कि आप rent पे डाल रहे हो, आप बच्चों को English schools में डाल रहे हो बाहर के private में, आप health आ रहे हो तो आप government hospital नहीं जा रहे हो और कोई private जाने की कोशिश कर रहे हो. तो यहाँ पर क्या है, इनकम जब वहां चला जा रहा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो लोग फैसिलिटी नहीं ले पा रहे, तो उनकी जहाँ कहाँ मार खाता है मतलब एट द न्यूट्रिशन. वो क्या करते हैं, दिन में कभी एक बार खाते हैं, दिन में कभी दो बार खाते हैं, और वो भी जो खाते हैं तो वो बार बार न्यूट्रिशियस नहीं रहता वो डाइट, मिल्क नहीं लेते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली वरी मी. तो आप जो पॉइंट लाए वहां पर कि इनकी इनकम को बढ़ाने एक चीज है through education, through skills, through higher education, and I never think about always about skill development. I always tell them, encourage them to go to pure sciences. जैसे एक बच्ची थी, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ती थी, we supported her from 11th, 12th onwards till the PG. She ended up doing MSc botany. She was in just a one room, just one and a half room house की बच्ची है वो. So today she is done her MSc botany and she is also married off. तो ये forever her life has changed. No, she will only think of doing some other education, teaching, taking tuitions, you know, a literate life ho gaya uska bhi. So this is what I'm telling is ki inki income badhana ek cheez hai. Aur income jahan par kharch ho raha hai, wahan par public infrastructure ki zor laake, inki income, inki khane ke liye riha karna aur ek cheez hai. So if you look at all these public infrastructures, including the public distribution system of the food security card ki jo hai, हर जगह हमको खामियां दिख रहे हैं. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ कॉर्पोरेट टेक्स इंटरेस्ट इन ऑल दिस टू इंप्रूव देयर लाइफ स्टैंडर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स एक जो मेरे हार्ट को बहुत नजदीक की चीज है वो है द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ ऑल द वुमेन एंड द गर्ल्स. आई एक्चुअली टॉक्ड विद वेरियस अदर वुमेन आल्सो. इंफोसिस की एक लोगों से भी बातचीत चली थी मेरी कि कैसा करना चाहिए. तो ये गर्ल्स को ना पर्टिकुलरली जब हम ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अच्छी डिग्निफाइड तरीका पढ़े, द सेम टाइम आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट. आई वुड नेवर रिकमेंड फॉर इंसिनरेशन एंड आई वुड ट्राई टू सी दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंटल ऑप्शंस एवरीवेयर, बिकॉज एनवायरनमेंट इज द मेन थिंग वी हैव टू गिव. वी हैव टू गिव देम क्लीन एयर. और माय वार्ड में ये भी सोच रही कि एयर मॉनिटरिंग स्टेशन हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बोल के वहां पर लगा सकते हैं, ताकि लोग खुद पहचान ले कि हमारी यहाँ पर कितनी एयर की सफाई है.
और ये भी है कि पानी जब आता है तो आई वी नो द वाटर मीटर्स, यू नो वाटर पोल्यूशन चेकिंग मीटर्स, तो उनको हम वो मीटर्स दे सकते हैं, वाटर बोर्ड से भी हम बात कर सकते हैं कि ये वार्ड में आपको हर महीने में और हर 15 दिन या फिर ऑन डिमांड आपको बराबर उनकी पोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। और इसी तरह से ग्राउंड वाटर की जो पोल्यूशन है, तो ये पूरे क्या होते हैं मतलब व्हेन द सिटीजन फाइंड्स दैट आवर वी आर बीइंग केयर्ड फॉर, तो क्या होता है दे विल बिकम रिस्पॉन्सिव कि भाई हम भी पब्लिक के लिए कुछ करेंगे, हम भी दूसरों के लिए कुछ करेंगे। इट शुड टर्न द टेबल शुड टर्न फ्रॉम कि भाई हमको कोई पूछता नहीं है, हमको कुछ नहीं मिलता, से वहां से टेबल टर्न हो जाना चाहिए कि भाई हम को क्या कर सकते हैं। यू हैव टू टर्न द टेबल्स कि व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री, दैट वो ख्याल कब आएगा व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर, व्हेन यू आर टोल्ड दैट यू मैटर। ये मेरा अल्टीमेट चीज है भाई, यू मैटर, प्लीज डोंट थिंक अबाउट योर क्लास एंड एनीथिंग। इफ यू आर मोर फाइनेंशियली डिप्राइव्ड, इफ यू आर मोर सोशली डिप्राइव्ड, देन यू मैटर मोर because you need to be cared so that you come to a standard where you do not need any more help. So we have to evolve towards a society, towards a country, towards a state where the less and less people now depend upon the PDS or some such things. So this is how, what have we done to evolve them? No, we have not done. We are telling 1 lakh tum 18 saal ki ho jao 1 lakh shaadi karo, hum ye nahi bol rahe ki ae bachchi tu inter pad le to tere ko 1 lakh hum अच्छी लैपटॉप लेके देंगे, डिग्री कर ले तो तेरे को ये प्लॉट देंगे या फिर ये घर देंगे। इस तरह से हम एम्पावर नहीं कर रहे हैं लोगों को। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दैट यू एम्पावर देम सो दैट दे आर एबल टू फेंड देमसेल्व्स, वो खुद इज्जत महसूस करें कि भाई हमारी चॉइस है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन परचेज एनीथिंग। उनकी परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाने की बात है यहाँ पर थ्रू दिस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल गिव देम सम रूम to spend on their education, to spend on their nutrition. So ye support karte hue jab hum ye denge to wahan se they will use this platform as a runway and they can fly. So these are some of the plans. Thank you, Ms. Lubna. Yeah, thank you. We appreciate your ideas and the fact that you're so passionate about these things. Yeah. I think people will realize this and your voters will certainly vote for you. Our compliments both from myself and from Socialist Party India. We think that you are the eligible candidate and you really do it at the ground level. Yeah. It's only the passion of a person that really can bring out the change. So with my good wishes, I thank you for joining us for today's program. And I'm sure the message will go to the masses and we will bring out a change. Thank you. Thank you, Rubina, for joining us. Yeah, thank you, Dr. Shuchita Kumar, and thank you, Rubina Ayaz. Thank you. Thank you, ma'am. For giving me a chance. Best of luck. Yeah, thank you. Thank you.